गाइस, मैं बहुत दिन के बाद ये वीडियो अपलोड कर पा रहा हूँ क्योंकि मेरा चैनल हैक हो गया था। किसी हैकर ने मेरा अकाउंट को हैक कर लिया था, जिसकी वजह से मैं कोई भी वीडियो अपलोड नहीं कर पा रहा था। मैंने बहुत से कोशिश करी है, 3-4 दिन मैं परेशान हुआ हूँ इसके पीछे, तब जाकर मुझे सिर्फ मेरा यूट्यूब वापस हुआ, मेरा ईमेल अकाउंट वापस नहीं हुआ। मैं आपको पूरी बात बताऊँगा कि क्या क्या हुआ था। आप इस वीडियो को देखते रहो। अब मेरे साथ सिचुएशन क्या हो गया था कि मेरा जो डेली का 2 GB जो मिलता था वो डेटा ख़त्म हो चुका था और पूरा टोटली स्लो चल रहा था इंटरनेट। तो 25 फरवरी को शाम के 3 बजे के आसपास, यानी कि 4 बज रहा होगा, उसके आसपास एक मेरा ईमेल आया था मेरे रिकवरी ईमेल पे जो मैंने डाला हुआ था। यहाँ पर आया था अलर्ट का, तो देख सकते हो कि यहाँ पर पासवर्ड चेंज करके लिखा है। तो मेरा नेट बहुत स्लो चल रहा था, मैं वहाँ पर कुछ कर भी नहीं पा रहा था। मुझे लग रहा था ये क्या हो रहा है। मैंने जब तक मैंने कुछ किया तब तक वो हैकर ने मेरा पासवर्ड, मेरा फ़ोन नंबर और मेरा रिकवरी ईमेल सब कुछ टोटली का टोटली चेंज कर चुका था। और मेन बात तो ये है कि हैकर ने डजंट रिकॉग्नाइज का ऑप्शन एनेबल कर दिया था, जिसकी वजह से मैं कुछ कर भी नहीं पा रहा था क्योंकि सिर्फ पासवर्ड का ऑप्शन आ रहा था। बाकी अगर ट्राई अनदर वे भी कर रहा था तो उसका ऑप्शन नहीं आ रहा था। मैं आपको दिखा रहा हूँ, ट्विटर पर लेकर चलता हूँ और किस तरह से ये प्रॉब्लम मुझे फेस करना पड़ा, मैं आपको दिखाता हूँ क्या ऑप्शन आ रहा था। यहाँ पर मैं आ गया हूँ ट्विटर पे और यहाँ पर मैं नीचे स्क्रॉल कर रहा हूँ और यहाँ पर देख सकते हो ट्वीट जो मैंने किया था यूट्यूब को, वो मैं पिक आपको दिखा रहा हूँ। ये वो पिक है जब मैंने ट्राई अनदर पे क्लिक कर रहा था तो ये ऑप्शन आ रहा था, बोलता था कि इनफ इन्फॉर्मेशन है। तो मैं इस जीमेल को तो मैं वापस नहीं ले पाया, लेकिन मेरा जो इससे जो यूट्यूब अकाउंट लिंक था वो मैं वापस ले लिया टीम यूट्यूब की मदद से। मैंने टैग किया और फिर ये इन्होंने मुझे DM पे भेजा, बोला कि DM पे बताओ क्या क्या हुआ था। तो मैंने पूरी बात बताई, फिर उन्होंने मुझसे बोला कि अगर कोई वीडियो उस चैनल पे अपलोडेड है या फिर उसके द्वारा कोई वीडियो अपलोडेड है तो उसको तुम दो, सेंड करो, मैं चेक करता हूँ। तो जब मैंने दिया तो वो चेक करके कंफर्म किया और फिर जाके मुझसे ना ब्रांड न्यू अकाउंट मांगा, तो मैंने ब्रांड न्यू अकाउंट दिया और फिर जाकर उन्होंने ट्रांसफ़र कर दिया मेरे चैनल पे। अब यहाँ पर एक्चुअली DM तो मेरे पास नहीं है पहले वाला, क्योंकि बोला गया था कि DM को डिलीट कर देना है, तो मैंने DM डिलीट कर दिया। लेकिन हैक होने से बचना है तो आपको गूगल पे 2-स्टेप वेरिफिकेशन का ऑप्शन आता है, उसको एनेबल कर लेना है और गूगल ऑथेंटिकल वाला एप्लीकेशन यूज करना है। इससे क्या होगा, टाइम टू टाइम आपका पासवर्ड चेंज होते रहेगा, जैसा कि यहाँ पर देख सकते हो यहाँ पे हो रहा है। बस आपको गूगल ऑथेंटिकल एप्लीकेशन यूज करने से पहले एक बात याद रखनी होगी कि आपको, मेरा एक्चुअली हुआ क्या था, मेरा फेसबुक अकाउंट भी मतलब काम करना ही बंद कर दिया, क्योंकि उसमें भी मैंने जनरेट किया हुआ था गूगल ऑथेंटिकल वाला कोड ही। तो मैंने वहाँ पर अपना फ़ोन नंबर ऐड नहीं किया, जिसकी वजह से मेरा कोई OTP आया ही नहीं, मेरा कुछ ऐड नहीं था, बस सिर्फ मेरा पासवर्ड था और फिर मैंने गूगल ऑथेंटिकल वाला एप्लीकेशन लॉगिन किया था उससे। और फिर क्या हुआ, गूगल ऑथेंटिकल वाला एप्लीकेशन इंस्टॉल हो गया, जिसकी वजह से मेरा फेसबुक भी गया। तो आपको ये भी ध्यान देना है कि आपको रिकवरी में एक अपना फ़ोन नंबर और ईमेल एड्रेस ऐड करना है। तो गाइज़, ये था क्विक वीडियो जो मैंने आपको बताया कि मेरे साथ क्या हुआ था। तो गाइज़, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।